ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू, आपने एक ऐसी मूवी दी है जो हमारे इंडियन सिनेमा के लिए रियल रियल में बहुत ही प्राउड है। तो बताइए सर कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद भुज के साथ में? एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा और काम करने में बहुत मज़ा आया और हमने कोशिश की है कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएं जो भी रिलीज़ हो चुकी है डिज्नी हो प्लस हॉट स्टार पर। जी बिल्कुल सर, पहले मैं देखूंगा, यहाँ पे देखूँ कहीं भी देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो सर ये आप ऐसे मतलब ऐसे लग नहीं रहा है कि एज एन डायरेक्टर आपकी ये फर्स्ट मूवी है, जिस तरह से लाइक पिक्चराइजेशन किया गया है, जिस तरह से सभी किरदार को आपने पूरे स्क्रिप्ट के साथ में सेट किया है, एज एन डेब्यू डायरेक्टर मतलब बहुत ही जैसे लग रहा है कि कोई बहुत ही इंडस्ट्री का मजा हुआ डायरेक्टर है वो इस पर फिल्म पर काम कर रहा है। तो कैसे सब कुछ आपने इतना आसानी से कर दिया? अगर आपके पास स्क्रिप्ट पुख्ता है, आपने लिखी पुख्ता है, तो फिर मतलब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो हमारी जो उससे पहले की तैयारी थी, जैसे स्टोरी बोर्डिंग से लेकर सारी चीज़ें थी, वो हमने मतलब उससे पहले काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो करीबन इसका स्टोरी बोर्ड का काम ही कम से कम 6 से 8 महीने चला था। तो एक एक फ्रेम जो था मेरे पास म्यूज़िक के साथ था। तो अभी भी जो मेरा क्लाइमेक्स है वो भी आप देखेंगे तो उसके पीछे क्या म्यूज़िक बजेगा, किस तरह से बजेगा, वो सारा एक एक फ्रेम करके फिर हमने उसको कंप्यूटर पे लिया और फिर उसको पिक्चर की तरह प्ले करते थे। तो ये तैयारी की थी, इसलिए थोड़ा सा मतलब उतनी मुश्किल नहीं आई और जो हम अचीव करना चाहते थे हमने कर लिया। सर मैंने फिल्म में जो नोटिस किया, बहुत बड़ी स्टार कास्ट आपने यूज़ किया, अजय देवगन, यू नो उनकी डेट मिलना तो इम्पॉसिबल, संजय दत्त उनकी डेट मिलना उससे भी बड़ी बात है, नूरा फतेही को आपने किया है और भी ढेरों सारे किरदार है। कैसे सर अप्रोच किया है, तकरीबन कितना प्रोसेस लग गया इन सबको एक साथ एक स्क्रीन पर लाने में? ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि सबसे पहले हमने अजय सर को अप्रोच किया था और अजय सर को सुनाया, तो सुनते ही अजय सर ने बोला कि मैं ये फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद मतलब बिल्कुल समय नहीं लगा, फिर सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद होते गए और फिल्म को लॉक हो गई। बिल्कुल। तो अब क्या रिस्पांस मिल रहा है सर, जब फिल्म रिलीज है, लोगों ने इस फिल्म देख ली है, OTT पर आ गई, अब बताइए कि आपको लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं फिल्म को लेकर? मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है और ज़्यादातर लोगों को पसंद आ रही है फिल्म, और ख़ासकर सेना के जितने भी लोग हैं, विजय कार्निक है या उनके परिवार के लोग हैं या उनके साथ जिन्होंने काम किया था या वो 300 महिलाओं के परिवार है, उन सब का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, उनको फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, पसंद भी आ रही है। हाँ, विजय कार्निक जी की फैमिली से अगर आपकी कुछ बात हुई हो या जी स्टार्टिंग में फिल्म से पहले आपने ये सुनाई हो, तो अगर उनके बारे में, अगर उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि? हाँ, उनकी जो वाइफ है उनका नाम है उषा कार्निक, जिनका हमने इसमें परनीता सुभाष ने वो रोल किया है, बेटी शलाखा है और बेटा परेश है। तो जो परेश है वो अमेरिका में रहता है और कनाडा में भी रहते हैं, और शलाखा है वो हांगकॉन्ग में रहती है, लेकिन वहाँ दोनों जगह भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उन्होंने मतलब लाइक जहाँ पे वो रहते हैं जिस कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर उन्होंने एक स्क्रीन लगाई और मतलब बहुत सारे शोज़ किए, जो लोग आते थे और वो शोज़ देखते थे। सर आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है 1971 के एरा पर बनी हुई है जी, और इस कहानी के बारे में काफ़ी कम हमारे युवाओं के बीच में पता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस बैकड्रॉप पर एक फिल्म बनाई जाए, वो भी वॉर फिल्म, कुछ इस पर हाईलाइट करना चाहेंगे? ये जो कहानी है ना, मेरी नानी माँ जो थी, मेरी मदर की मदर, उन्होंने ये 300 महिलाओं में कोई साथ काम किया था भुज का जब रनवे बन रहा था, तो उस वजह से जब वो मुझे बचपन में कहानियाँ सुनाती थी तो कहानियाँ मेरे जहन में थी, और वही कहानी जब मैं स्कूल में बच्चों को सुनाने के लिए बोला जाता था, क्योंकि आपने अक्सर स्कूल में देखा होता है एक बच्चा खड़ा होता है बाकी बच्चों को कहानियाँ सुनाता है, तो मैं ये कहानी सुनाता था तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता था और बच्चे सब सुनते थे बचपन में जब मैं 10-11 साल का था तभी। तो फिर मुझे लगा जब मुझे फिल्म बनानी है तो फिर इसलिए मैंने ये विषय चुना, और वैसे भी वॉर फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें इतनी चाहिए होती है, तो लेकिन फिर भी मुझे लगता रहा था कि मैं अचीव करूंगा और मुझे लगता है कि फिल्म बना के तो हमने अचीव किया है। तो तकरीबन कितनी बार सुनाई होगी आपने ये कहानी अपने स्कूल एंड कॉलेज में? कम से कम मतलब 100-200 बार तो सुनाई होगी। सर आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जो भुज का जो बैकड्रॉप है, वहाँ का लोकेशन है, वहाँ के लोकल्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा,
वहाँ की जनता ने कितना सपोर्ट किया इस फिल्म के लिए? बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया। और लाइक एक किस्सा तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो जब हमने सोचा था बारिश बहुत कम है तो कुएं का शॉट है, फिल्म में भी आता है जहाँ पर हम पानी भर रहे हैं, तो उस कुएं में हमने कम से कम 20 से 30 ट्रक पानी डाला था ताकि हम उसमें से पानी भर सके। तो उस डेट तक अजय सर आए नहीं थे, मतलब मांडवी पे आए नहीं थे, तो अजय सर उसे दूसरे दिन आए। तो अजय सर जैसे आए वहाँ पर इतनी बारिश हुई कि वो कुआ भी भर गया, बाढ़ भी आ गई। तो लोग बोल रहे हैं कि अजय सर इतने लकी है हमारे लिए कि वो आए और इतने सालों से जो बारिश नहीं हुई थी वो इतनी बारिश हो गई, मतलब हमें शूटिंग भी रोकनी पड़ी, 5 दिन तक हमारी शूटिंग रुकी रही, उतनी बारिश हुई। और कुआ जो जिसमें हमने 20 मतलब ट्रक पानी के डाले थे वो अपने आप ही वहाँ पर बाढ़ आ रही थी। दो बड़े सुपरस्टार्स हैं सर, जैसे कि संजय दत्त हो गए, अजय सर हो गए, हिंदी सिनेमा में अभी काफी वेटरन भी हो चुके हैं और सुपरस्टार भी हैं, इन दोनों को एक फिल्म में एक साथ हैंडल करना एज अ डायरेक्टर आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दोनों मुझे इतना प्यार करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने मतलब कहानी को फॉलो किया और सब कुछ सही होता गया। और सर इसके अलावा मैंने सुना है कि आप ऐसे ढेरों सारे जो हमारे हमारे इंडस्ट्री को, हमारे इस देश को अपने वीरता का जो प्राउड किया कराया है, ऐसे मैंने सुना है कि ढेरों सारे ऐसे लोगों पर आप फिल्में बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप कुछ बता सके कि और क्या कुछ आपका भुज के बाद नेक्स्ट है जो आप ऐसे प्राउड मोमेंट लाना चाहते हैं हमारे इंडियंस के लिए? नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ सरदार बाना सिंह, ये परमवीर चक्र विजेता है 1987-88 के, तो सियाचिन विजय के लिए इनको परमवीर चक्र मिला था। और अभी वो चौकी जो इन्होंने जीती थी उसका नाम भी बाना पोस्ट है, तो उनकी कहानी पे काम चल रहा है और MOD ने मुझे परमिशन दे दी है। अच्छा। तो अभी फिर मैं इसके ऊपर काम करूँगा और मुझे लगता है कि इस तरह की कहानियाँ सामने लाने से लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और जानने को भी मिलेगा। काफ़ी लोग का ये मानना है कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक ऐसी फिल्म है जो बड़े पर्दे पर आती तो बहुत ही अच्छा लगता, फिर भी छोटे प्लेटफॉर्म पर जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो वहां पर रिलीज हुई, जिसकी ओ, डिज्नी हॉटस्टार पे, डिज्नी हॉटस्टार पे, फिर भी छोटे प्लेटफॉर्म जैसे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये फिल्म रिलीज हुई है जिसकी भी एक वाइड ऑडियंस है और वहां पर भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन कोरोना के कहर की वजह से ये फिल्म वहां पर रिलीज हुई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप वेट कर रहे होंगे, क्या आप वेट कर रहे होंगे कब सुचारू रूप से हर चीज चलने लगे उसके बाद हम थिएटर में रिलीज करें, लेकिन थिएटर में रिलीज करने का मौका आपको नहीं मिला, फिर आप हॉटस्टार पर आए, तो ये जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था आपके दिमाग में, किस तरह फिल्म रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि आपने बड़े पर्दे को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई थी? नहीं, हमने बड़े पर्दे को ध्यान में रख के फिल्म बनाई थी, लेकिन हमारे माइंड में लोगों का हेल्थ का कंसर्न बहुत ज्यादा था, तो मुझे लगा था कि लोग अगर सपोज तो भी ये जो कोरोना बीमारी है उसका कोई पता नहीं है कि कब कितनी फैल जाती है कब कितनी नहीं, तो लोग थिएटर में आए और वो देखे और उनको मतलब कुछ इफेक्ट हो, तो इसलिए हम चाहते थे कि इस इफेक्ट से वो बचे। तो जब हमारे पास OTT का मतलब ऑप्शन था तो हमने उसको एक्सप्लोर किया, क्योंकि जब हमने डील की थी तो जब फिल्म की डील की थी तब थिएटर कहीं तक खुलने का कोई चांस था ही नहीं, तो उस वजह से हमने वो चुना। और फिल्म तो ठीक है, अच्छी है, लोग देखेंगे, लेकिन उससे साथ साथ ही लोगों की हेल्थ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए ये डिसीज़न मुझे लगता है बेटर है। बाकी दोनों माध्यम बहुत ही अच्छे हैं, OTT भी बहुत ज़बरदस्त है, थिएटर भी बहुत ज़बरदस्त है, दोनों चलते रहेंगे। इस तरह से वीरों के ऊपर फिल्म बनाने के लिए सर बहुत सारी रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, परमिशन, हालांकि आपको परमिशन मिल चुकी है जो आप अगली फिल्म बना रहे हैं, ढेरों सारे रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, ढेरों सारे इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या अब आप रेडी हैं जो आप दूसरी फिल्म बना रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और रिसर्च करने के बाद ही हम कहानी जो है MOD को देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जो आपकी कहानी में चेक करता है सत्यता कितनी है और कितना आपने फिक्शन किया है, और जब उनको लगता है कि सब सही है तो फिर वो परमिशन दे देते हैं कि आप इसके ऊपर फिल्म बनाओ। तो कुछ लोग हैं जो फिल्म बनाने के बाद उनसे परमिशन लेने जाते हैं, और मैं हूँ जो मैं पहले ले लेता हूँ। अभी हमने सर देखा जो पिक्चर्स आई है, अजय देवगन जी जो है वो राजनाथ सिंह से
जी से मिले जी. और वहाँ पर बहुत ही अप्रिसिएट किया गया, वो पिक्चर बहुत ही वायरल हुई जी. तो कितना प्राउड मोमेंट होता है सर आपके लिए एज एन इंडियन जब आपने इस तरह की फिल्म बनाई, इंडियन सिनेमा में नहीं बल्कि पॉलिटिकल में भी लोग बहुत ही अप्रिसिएट कर रहे हैं, खुद राजनाथ सिंह जी जो है अजय देवगन जी से मिले, तो कितना प्राउड मोमेंट होता आपके लिए? ये तुम्हारे लिए प्राउड की बात है कि उन्होंने फिल्म देखी और इन्जॉय किया और हमें काफ़ी सराहा भी, उन्होंने ट्वीट भी किया था, जो अजय सर के साथ उनकी फ़ोटो है वो राजनाथ जी ने भी ट्वीट की थी. तो ये एक गर्व की बात है क्योंकि आप एक फिल्म बनाते हो जिसको हर तरह से सराहना मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है और आगे काम करने की वो शक्ति और प्रेरणा मिलती है. बिल्कुल. एंड सर यू नो एक सवाल है कि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ थोड़ी बहुत निगेटिविटी भी होती है फिल्म आने के बाद. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये फिल्म नॉर्मल ओके टाइप्स की लगी, ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप कि क्या थॉट होते हैं सर? नहीं, क्या है कि हमें मतलब हमेशा सबके विचार जानने और उसके लिए ओपन रहना चाहिए. जो अपने विचार लोग दे रहे हैं वो अपने हिसाब से सही है क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद कंट्री है और सब अपने अपने विचार रख सकते हैं. लेकिन मुझे ये बात एक अच्छी लग रही है कि लोग पिक्चर को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा प्यार दे रहे हैं तो, और भावना अपनी जो लोग व्यक्त कर रहे हैं वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. तो मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं और मेहनत करूँ और अच्छी फिल्म बनाऊँ और सबको सेटिस्फाई कर सकूँ, या सबको मतलब मैं सेटिस्फाई कर सकूँ. बिल्कुल. जाते जाते सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उन वीरों को जो जिनकी वजह से हम यहाँ पर आराम से एसी जैसी जगहों पर बैठते हैं, या विजय कर्णिक जी को कुछ कहना चाहेंगे आप आखिरी कुछ अपने शब्दों में? आपको आप और आपकी ज़िंदगी पर हिंदुस्तान को नाज है, आप अपनी सेवा देते हैं, इसी के लिए हम सेफ हैं और साउंड हैं और अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं. थैंक यू एंड जय हिंद. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू भाई.